गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करम दुगल दिस साइड, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरा यूट्यूब पर दूसरा वीडियो है जिसका कॉन्फिडेंस आप लोगों के प्यार ने मुझे दिया है। बहुत सारे लोगों के कॉल आए, कमेंट्स मिले, कई लोग व्हाट्सअप मिले, कई लोगों ने स्पेशली कॉल करके मेरा हौसला बढ़ाया। आप सबने इतना प्यार दिया, उसके लिए थैंक्स फ्रॉम माई हार्ट। ओके, तो आज मैं आपको न्यू चंडीगढ़ के बारे में बताऊंगा, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था। न्यू चंडीगढ़ जो है कि 13,000 एकड़ में बना हुआ है, जिसमें 5500 एकड़ रेजिडेंशियल जोन है। इसकी मास्टर प्लानिंग सिंगापुर बेस्ड जीरोंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने की है, जिसने पूरा सिंगापुर प्लान किया था। अगर हम इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो इस जैसे चंडीगढ़ दो रोड्स पर बना था, दक्षिण मार्ग और मध्य मार्ग, इन्हीं दोनों को रोड्स को एक्सटेंड करके न्यू चंडीगढ़ बनाया है। मध्य मार्ग जो है हाउसिंग बोर्ड चौक से लेके फिर 26 ग्रेन मार्केट पीजीआई पीयू देन न्यू चंडीगढ़। दक्षिण मार्ग जो है जयपुर से आते हुए ट्रिब्यून रोड जेडब्ल्यू मैरियट 38 वेस्ट देन न्यू चंडीगढ़। और एयरपोर्ट रोड की कनेक्टिविटी की बात करें तो एयरपोर्ट रोड का डिस्टेंस यहाँ से 8 किलोमीटर है, जिसका काम शुरू हो चुका है। L&T कंपनी को उसका टेंडर मिला है। न्यू चंडीगढ़ एक लो डेंसिटी एरिया है, यहाँ पर 104 एकड़ से कोई भी रेजिडेंशियल नीचे कोई भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट नहीं आ सकता, और एक एकड़ में सिर्फ 125 लोग ही रह सकते हैं। इससे क्या होगा, फ्यूचर में कभी भी यहाँ पर हौचपौच नहीं होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या आ रहा है और क्या क्या है। न्यू चंडीगढ़ के साथ ही नरसिंह मंजी यूनिवर्सिटी की कंस्ट्रक्शन चल रही है, जो कि पहले मुंबई में है और ये जल्दी ही ऑपरेशनल हो जाएगी। उसके साथ ही सहारनपुर में 50 एकड़ में तकरीबन पीजीआई की एक्सटेंशन आ रही है। उसके साथ ही न्यू चंडीगढ़ में मेडी सिटी बन चुका है, मेडी सिटी 258 एकड़ लैंड में है। इसमें तकरीबन जितने भी गवर्नमेंट की तरफ से जो काम होते हैं वो सारे कंप्लीट हैं, जैसे सीवरेज है, रोड्स हैं, और इसमें तकरीबन 10 के करीब हॉस्पिटल आ रहे हैं, जिसमें मैक्स हॉस्पिटल, चैतन्या हॉस्पिटल, ग्रेवाल आई इंस्टीट्यूट, मदानता, यूकेसे किंग हॉस्पिटल और टाटा कैंसर हॉस्पिटल आ रहे हैं। टाटा कैंसर हॉस्पिटल जो है पहले मुंबई में है और यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर तक ऑपरेशन हो जाएगा। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन हब के लिए यहाँ पर ऑलरेडी लैंड अलॉट हो चुकी है, जिसमें काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज आ रही हैं और दो स्कूल यहाँ पर जैसे श्रीराम टेक्नो और सेंट स्टीफन ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। जैसे लोग चंडीगढ़ में आते थे पहले और अब भी एजुकेशन के लिए और मेडिकल फैसिलिटीज के लिए, वैसे ही यहाँ पर भी दोनों चीजों का पूरा ध्यान रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर 800 एकड़ में इको टूरिज्म पार्क है, जिसमें एक्टिविटीज, इको एक्टिविटीज और गेम्स होंगी। उसके बाद लेक आ रही है और आपका मोहाली का पीसी स्टेडियम यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, जिसमें जो कि 40 एकड़ में है और 40,000 लोग एक साथ बैठकर इसमें मैच देख सकेंगे। पिछले 2 साल से यहाँ पर ओबराय होटल ऑपरेशनल है और तकरीबन 10 के करीब प्राइवेट बिल्डर और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं, जिसमें सबसे पहले जीबीपी है। जीबीपी की यहाँ पर प्लॉटिंग और फ्लोर्स हैं, जिस जो कि काफ़ी बड़ी 100 प्लस एकड़ की टाउनशिप है, जिसमें स्कूल भी आपका अंदर ही मिलेगा आपको, और काफ़ी बड़ी टाउनशिप है ये, और ये आपकी बिल्कुल चंडीगढ़ और न्यू चंडीगढ़ के बॉर्डर पर है। इसमें छोटी बड़ी प्लॉटिंग है और इसके अलावा फिर आपका इसके साथ द एड्रेस है, क्यूरो वन है, मनोहर सिंह है, इको सिटी है। इको सिटी के 3 पार्ट है, इको सिटी में प्लॉटिंग है, ये गमाडा का प्रोजेक्ट है। इसके बाद यहाँ पर ओमेक्स है, ओमेक्स के पास तकरीबन 1200 एकड़ लैंड है, जिसमें मिक्स यूज लैंड है ये, जिसमें प्लॉटिंग है। प्लॉटिंग 200 स्क्वायर यार्ड से लेकर 100 स्क्वायर यार्ड तक की प्लॉटिंग है, बहुत अच्छी टाउनशिप है, मेगा टाउनशिप है, जिसमें तकरीबन 4500 फैमिलीज रह रही है ऑलरेडी, और कमर्शियल हमारे पास है। इसके बाद डीएलएफ की एक बहुत अच्छी टाउनशिप है, यहाँ पर डीएलएफ अच्छी टाउनशिप लेके आया है। इसके बाद आईएसपीसीएस लॉबी की टाउनशिप है यहाँ पर, जिसमें 2 कनाल और 4 कनाल की प्लॉटिंग है जो ऑलरेडी स्टेब्लिश है। इसमें आपके यहाँ पे आईएसपीसीएस सोसाइटी में जिसमें की लिमिटेड लोग ही बाय कर सकते हैं प्रॉपर्टी, जैसे डॉक्टर है, आईएएस है, पीसीएस है, जज है, फ्लाइंग ऑफिसर है, यही लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकता। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई
बिजनेसमैन या और कोई आदमी यहाँ पर प्रॉपर्टी बाय न्यू चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकता, और जो लोग चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकते, जिन्होंने नहीं की है, उनके लिए न्यू चंडीगढ़ एक सुनहरा मौका है अपना आसियाना बनाने का। मैं करण दुग्गल प्रॉपर्टी एडवाइजर ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए आपके साथ शेयर करता रहूंगा अपने यूट्यूब चैनल से। इसके लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर रहेगा, कौन से यहाँ पर सेफेस्ट प्रोजेक्ट हैं, कहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपकी हार्ड एंड मनी की वैल्यू को समझते हुए मैं जल्दी ही आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। मैं करण दुग्गल आपसे इसके साथ ही आपसे इजाजत लेता हूँ। नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।